राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज महाशिवरात्रि के दिन मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह की कथा। बंधुओं, जो मनुष्य भी महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह की इस कथा को सुनेंगे, भगवान शिव उनके जीवन को खुशियों से भर देंगे, उनकी जोड़ी सदा सलामत रहेगी। जो भी महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की इस कथा को सुनेंगे। बंधुओं, पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ ही भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह की कथा को सुने। बंधुओं, यदि आपने यूट्यूब चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। सती के देह त्याग करने के बाद सती विरह में शंकर जी की विचित्र दशा हो गई। वे दिन रात सती का ही ध्यान करते और उनकी चर्चा करते। सती ने भी देह त्याग करते समय यही संकल्प किया था कि मैं पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म ग्रहण कर फिर से शंकर जी की अर्धांगिनी बनूं। भला जगदम्बा का संकल्प कहीं अन्यथा हो सकता है? वे काल पाकर हिमालय पत्नी मेनका के गर्भ में प्रविष्ट हुई और यथा समय उनकी कोख में से प्रकट हुई। पर्वतराज की दुहिता होने के कारण वे पार्वती कहलाई। जब वे कुछ सयानी हुई तो उनके माता पिता को उनके अनुरूप वर तलाश करने की फिक्र पड़ी। एक दिन अकस्मात देव ऋषि नारद पर्वतराज के भवन में पहुंचे और कन्या को देखकर कहने लगे, इसका विवाह शंकर जी के साथ होना चाहिए, वही इसके योग्य है। यह जानकर कि साक्षात जगत माता सती ही उनके यहाँ प्रकट हुई हैं, पार्वती के माता पिता के आनंद का ठिकाना ना रहा। वे मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करने लगे। एक दिन अकस्मात शंकर जी सती विरह में व्याकुल घूमते घूमते उसी प्रदेश में जा पहुंचे और पासी गंगावतरण स्थान में तपस्या करने लगे। हिमालय को जब इस बात का पता लगा तो वे अपनी पुत्री को साथ लेकर शिव जी के पास पहुंचे और अनुनय पूर्वक अपनी पुत्री की सेवा में ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पहले तो उनकी सेवा स्वीकार करने में आनाकानी की, किंतु पीछे पार्वती की अनुपम भक्ति को देखकर उनका आग्रह ना टाल सके। अब तो पार्वती प्रतिदिन अपनी सखियों के साथ शंकर जी की सेवा में उपस्थित होने लगी। वे उनके बैठने का स्थान झाड़ पोछ कर साफ करती थी और इस बात का सदा ध्यान रखती कि शंकर जी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। वे नित्य प्रति उनके चरण धोकर चरणोदक ग्रहण करती और षोडश उपचार से उनकी पूजा करती। इस प्रकार पार्वती को भगवान शंकर की सेवा करते सुदीर्घ व्यतीत हो गया। किंतु पार्वती जैसी त्रिभुवन सुंदरी पूर्ण यौवना बाला से इस प्रकार एकांत में सेवा लेने पर भी शंकर जी के मन में कोई विकार उत्पन्न ना हुआ। वे सदा आत्म समर्पण करते हुए समाधि में निश्चल रहते। इधर देवताओं को तारक नामक असुर बहुत बड़ा त्रास देने लगा। यह जानकर कि शिव के पुत्र से ही उसकी मृत्यु हो सकती है, सभी देवता शिव पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने शिव को पार्वती के प्रति अनुरक्त करने के हेतु कामदेव को सिखा पढ़ा कर उनके पास भेजा। पुष्पायुध का पुष्पबाण भी शंकर के मन को विशुद्ध ना कर सका, उल्टे यह उनकी क्रोध अग्नि से भस्म हो गया। शंकर जी भी वह अधिक रहना अपनी तपस्या के लिए अंतराय रूप समझ कैलाश की ओर चल दिए। पार्वती को शंकर की सेवा से वंचित होने का बड़ा दुख हुआ, किंतु उन्होंने निराश ना होकर अपने तप के द्वारा शंकर जी को संतुष्ट करने की मन में ठानी। उनकी माता ने उन्हें सुकुमारी एवं तप के अयोग्य समझकर बहुत मना किया, इसलिए उनका नाम उमा ऊ एवं माँ तप ना करो प्रसिद्ध हुआ। पार्वती संकल्प से तनिक भी विचलित नहीं हुई, वे तपस्या करते हुए घर से निकल पड़ी। जहाँ शिवजी ने तपस्या की थी उसी शिखर पर तपस्या करने लगी। तभी से लोग उस शिखर को गौरी शिखर कहने लगे। वहाँ उन्होंने पहले वर्ष फलाहार से जीवन व्यतीत किया, दूसरे वर्ष
वे परन के पत्ते खा कर रहने लगी और फिर तो उन्होंने परन का भी त्याग कर दिया, इसलिए वे अपर्णा कहलाई। इस प्रकार उन्होंने 3000 वर्ष तक घोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या को देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी दंग रह गए। अंत में भगवान आशुतोष का आसन हिला। उन्होंने पार्वती की परीक्षा के लिए पहले सप्तऋषियों को भेजा और पीछे स्वयं बटु वेश धारण कर पार्वती की परीक्षा के निमित्त प्रस्थान किया। जब उन्होंने सब प्रकार से जांच परख कर देख लिया कि पार्वती की उनमें अविचल निष्ठा है, तब तो वे अपने को अधिक देर तक छिपा ना सके। वे तुरंत अपनी असली रूप में पार्वती के सामने प्रकट हो गए और उन्हें पानी ग्रहण का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। पार्वती अपने तप को पूर्ण होते देख अपने घर लौट आई और अपने माता पिता को शंकर जी के प्रकट होने और वरदान देने का सारा वृतांत सुनाया। अपनी एकमात्र दुलारी पुत्री की कठोर तपस्या को फलोन्मुख देखकर माता पिता के आनंद का पार न रहा। पीछे से शंकर जी ने सप्तऋषियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित हुई। शंकर जी ने नारद जी के द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदर पूर्वक निमंत्रित किया और निश्चित तिथि को ब्रह्मा विष्णु इंद्र प्रभुति सारे प्रमुख देवता अपने अपने दल बल सहित कैलाश पर आ पहुंचे। उधर हिमालय ने विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारियां की और शुभ लगन में शिवजी की बारात हिमालय के द्वार पर आ लगी। पहले तो शिवजी का विकट रूप तथा उनकी भूत प्रेतों की सेना देखकर मेनका बहुत डर गई और अपनी कन्या का पानी ग्रहण कराने में आनाकानी करने लगी। पीछे से जब शंकर जी का करोड़ों का परम लावण्य में रूप देखा तो वे देह गेह की सुधी भूल गई और शंकर जी पर अपनी कन्या के साथ ही साथ अपनी आत्मा को भी निछावर कर दिया। हर गोरी का शुभ विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। हिमाचल ने बड़े चाव से कन्या दान दिया। विष्णु भगवान और अन्य देव और देव रमणियों ने नाना प्रकार के उपहार भेंट किए। ब्रह्मा जी ने वेदोक्त रीति से विवाह करवाया। सब लोग अमित उत्साह से भरे अपने अपने स्थानों को लौट गए। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर् मोक्ष्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर् मोक्ष्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर् मोक्ष्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर् मोक्ष्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर् मोक्ष्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर् मोक्ष्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात्
मृत्युर् मोक्षयामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर् मोक्षयामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर् मोक्षयामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर् मोक्षयामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर् मोक्षयामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर् मोक्षयामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर् मोक्षयामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर् मोक्षयामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर् मोक्षयामृतात् राधे राधे जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।